subscribe to Nykaa TV and press the bell icon to make sure you never miss an update from us. आज रात मुझे पार्टी पे जाना है। ड्रेस और एक्सेसरीज तो मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है, लेकिन हेयर स्टाइल कौन सा चूज करूं? आज मैं आपको दो ऐसे हेयर स्टाइल्स दिखाऊंगी जिन्हें बनाना बहुत सिंपल है, लेकिन वो हमारे चेहरे को एक नया लुक देते हैं। कभी कभी हमारे बाल काफी फ्रिजी हो जाते हैं और उन्हें संभालना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। इसलिए कोई भी हेयर स्टाइल शुरू करने से पहले मैं अपने बालों में एक सीरम का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मेरे बाल सेट रहते हैं और हेयर स्टाइल ज़्यादा टाइम तक टिकी रहती है। मैं लिबॉन शेक एंड स्प्रे सीरम इस्तेमाल करना प्रेफर करती हूँ। पहला स्टाइल है फिश टेल ब्रेड, यानी खजूरी चोटी। सारे बालों को इकट्ठा करके इस तरह गर्दन के पास पकड़ लीजिए और दो सेम हिस्सों में बांट लीजिए। दोनों हिस्सों में से बाहर की तरफ से उंगली से पतले पोर्शंस अलग करके बीच में लाने हैं। लेफ्ट साइड के स्ट्रैंड को राइट साइड में ले जाएं और राइट साइड के बाल के नीचे सेट करें। फिर राइट साइड के स्ट्रैंड को उसके ऊपर से होकर लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएं। हल्के हाथ से खींचते रहिए ताकि वो टाइट रहे। इस तरह बालों के पतले पतले स्ट्रैंड्स को लेकर बीच में एंड तक जोड़ते जाना है। फिर इन्हें एक रबर बैंड से बांध देना है। मैं इनविजिबॉबल हेयर रिंग इस्तेमाल कर रही हूँ। लीजिए, बन गई फिशटेल चोटी, है ना क्यूट। मैं गैट्सबी का सेट एंड कीप स्प्रे इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मेरा हेयर स्टाइल लंबे समय तक टिका रहे। दूसरा हेयर स्टाइल है फ्लोरल बन। ये आपको एक ट्रेडिशनल लुक देगा। मुझे ब्रेडेड बन बनाना पसंद है, इसलिए पहला स्टेप होगा चोटी को बनाना। बालों को पहले अच्छी तरह से कंघी कर लीजिए और सर के ऊपर वाले बालों को तीन सेक्शंस में बांट दीजिए। अब उल्टी चोटी बनाना शुरू कर दीजिए, यानी हर हिस्सा दूसरे हिस्से के ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से जाएगा। नीचे की तरफ जाते जाते आप दोनों साइड से और बाल अपनी चोटी में इस तरह से ऐड करते रहिए। बालों के अंत तक पहुंचने तक आपके सारे बाल आपकी चोटी का हिस्सा होना चाहिए। एक इलास्टिक बैंड से अपनी चोटी को बांधिए। अब अपनी चोटी को गोल घुमाकर जूड़ा बना लीजिए और इस तरह हेयर पिंस लगाकर जगह पर सेट कर लीजिए। मैं सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मेरा हेयर स्टाइल लंबे टाइम तक टिका रहे। अब अपने बालों को सजाएं। फूलों के गजरे को बन के साइज के हिसाब से काट लीजिए और हेयर पिंस की मदद से बन के ऊपर लगा लीजिए। हो गया आपका ट्रेडिशनल बन लुक पूरा। ये दोनों हेयर स्टाइल्स आपको एक ट्रेडिशनल लुक ही नहीं बल्कि क्लासी लुक भी देंगे एंड आई एम श्योर आप अपनी बहुत सारी सेल्फीज खींचेंगे। देखते रहिए नायका ब्यूटी डायरीज। आखिर ब्यूटी का सवाल है।